करीब 500 साल बाद अयोध्या के राम मंदिर में रामनवमी मनाई गई, जबकि इस पावन अवसर पर रामलला का सूर्य तिलक भी हुआ। दोपहर 12:01 पर भगवान श्री राम का सूर्य अभिषेक प्रारंभ हुआ, जो करीब 5 मिनट तक चला। रामलला के मस्तक पर जब सूर्य की किरणें पड़ी तो ये भक्त भाव विभोर हो गए। पूरा दृश्य अलौकिक और दिव्य दिखा। करीब 5 मिनट तक रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणें बनी रहीं तो पूरा मंदिर परिसर घंटे, घड़ियालों, शंख की ध्वनि और जय श्री राम के नारों से गूंजता रहा। एक तरफ रामलला का सूर्य अभिषेक होता रहा और दूसरी तरफ पुजारी उनकी आरती उतारते रहे। श्री राम जन्म से सूर्यवंशी थे और उनके कुल देवता सूर्य देव हैं। मान्यता है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर 12 बजे श्री राम का जन्म हुआ था। उस समय सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव में थे, लिहाजा ठीक उसी समय भगवान श्री राम का सूर्य तिलक हुआ। अयोध्या में सूर्य देव और रामलला का मिलन देखने को मिला और भारी संख्या में भक्त इस दिव्य दृश्य को देखने के लिए राम मंदिर पहुंचे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सूर्य तिलक के इस अलौकिक दृश्य को अपनी स्मृतियों में कैद करते नजर आए। असम के नलबाड़ी में रैली के बाद पीएम मोदी ने इंटरनेट के जरिए रामलला का सूर्य अभिषेक देखा। इस दौरान विमान में बैठे पीएम मोदी भावुक नजर आए। यही नहीं, जिस वक्त वो रामलला का सूर्य अभिषेक देख रहे थे उस वक्त उन्होंने अपनी चप्पल भी उतार दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नलबाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। श्री राम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। वहीं इससे पहले नलबाड़ी में अपनी रैली की शुरुआत भी पीएम मोदी ने जय श्री राम के नारे के साथ की। जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नलबाड़ी में रैली के दौरान विशेष रूप से अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक का जिक्र किया, क्योंकि जिस समय मोदी भाषण दे रहे थे ठीक उसी समय अयोध्या में भगवान राम का सूर्य अभिषेक हो रहा था। लिहाजा पीएम मोदी ने रैली में लोगों से अपील की कि वो अपने मोबाइल फोन की लाइट जलाकर भगवान राम को प्रणाम करें। सूर्य तिलक की तरह हम भी अपने मोबाइल का फ्लैश निकाल करके, फ्लैश चालू करके, सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें। सब लोग, भले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें। जिसके बाद मंच पर बैठे बीजेपी नेताओं और रैली में आए लोगों ने मोबाइल का फ्लैश भी जलाया और जय श्री राम का उद्घोष भी किया। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसके बाद पीएम मोदी ने राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की के नारे लगाए, जबकि रैली में मौजूद लोग भी ये उद्घोष दोहराते दिखे। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 500 सालों के बाद ये मौका आया है जब रामलला का जन्मोत्सव उनके घर में मनाया जा रहा है। प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। वहीं रामलला के सूर्य अभिषेक को देखने के लिए अयोध्या में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। देश विदेश से हजारों की संख्या में राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए रामनगरी पहुंचे, जहां लगातार मंगल गीत, भजन, कीर्तन और जय घोष चल रहा था। लोग रामधुन में मगन नजर आ रहे थे। मंत्रोच्चार के साथ पूरा माहौल राममय हो गया था। तो वहीं रामलला के दर्शन पाकर हर कोई भाव विभोर नजर आया। मैं कैलिफोर्निया अमेरिका से आई हूँ, तो आज के दिन ये रामनवमी के दिन ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, और दर्शन भी, और जो सूर्य किरण हुआ 12 बजे वो बहुत ही अच्छा लगा। गर्भगृह में चल रही पूजा के बीच राम भक्त कतार में खड़े हाथ जोड़े अपने आराध्य को नमन करते दिखे।
और जब मंदिर से बाहर निकले तो चेहरे पर खुशी के भाव थे। रामनवमी थी भगवान की और जो भगवान के सूर्य पे वो जो दिखाई दिया उसका उसका जो आकर्षण था इतना अच्छा था कि दिल बाग बाग हो गया। तो वहीं इस खास मौके पर भगवान श्री राम का मंदिर रोशनी से जगमग कर रहा था। मंदिर को सुंदर फूलों से सजाया गया था। इसकी भव्यता और सुंदरता देखते ही बन रही थी। और अब आपको बताते हैं कि सूर्य तिलक की क्या अहमियत होती है और कैसे सूर्य की किरणें 5 मिनट तक गर्भगृह में विराजमान रामलला के मस्तक को सुशोभित करती रहीं। तो आपको बता दें कि सूर्य तिलक 6 चरणों में संपन्न हुआ। सबसे पहले मंदिर के पहले हिस्से या कहें तीसरे तल पर लगे दर्पण पर सूर्य की रोशनी गिरी, फिर यहां से परावर्तित होकर यानी रिफ्लेक्ट होकर पीतल के पाइप में रोशनी ने प्रवेश किया, फिर दूसरे चरण में पीतल की पाइप में लगे दूसरे दर्पण से सीधे रोशनी टकराकर 90 डिग्री में बदल गई, जिसके बाद पीतल के पाइप में सूर्य की किरणें 3 अलग-अलग लेंस से आगे बढ़ी। सूर्य तिलक के चौथे चरण में किरणें 3 लेंस से गुजरने के बाद सीधे गर्भगृह के बीच में लगे दर्पण से टकराई, जहां से किरणें एक बार फिर 90 डिग्री के कोण में मुड़कर सीधी यानी क्षैतिज रेखा में आ गई, जबकि आखिरी चरण में किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ी और उनका सूर्य तिलक किया। अयोध्या में रामनवमी पर पूरे दिन गहमा गहमी बनी रही। भक्त अपने आराध्य की भक्ति में डूबे दिखे, तो वहीं रामलला के सूर्य तिलक से पहले उनकी विशेष पूजा अर्चना भी की गई, जिसके लिए पंडितों ने सबसे पहले भगवान श्री राम को तैयार किया। रामनवमी के शुभ अवसर पर सुबह सुबह रामलला को दूध से स्नान कराया गया। इसके बाद रामलला को मुकुट, कुंडल, हार, तिलक, बाजूबंद, हाथों के कपड़े पहनाए गए। रामलला को सर से लेकर पैर के अंगूठे तक सोने और हीरे पन्ने के आभूषण से सजाया गया। उनके माथे पर चंदन का लेप किया गया, जिसमें माणिक्य को पीसकर मिलाया गया, ताकि रोशनी में प्रभु का मस्तक दमकता रहे। इसके बाद रामलला को स्वर्ण आभूषण और रत्न जड़ित पोशाक पहनाई गई। उनकी रत्न जड़ित पोशाक पीली और गुलाबी रंग की थी, जबकि वस्त्रों पर स्वर्ण धागों से सिलाई कढ़ाई की गई थी। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या नगरी जय श्री राम के नारों से गूंजती रही। राम मंदिर के साथ हनुमानगढ़ी की रौनक भी देखते ही बन रही थी। हर कोई अपने आराध्य की भक्ति में लीन नजर आया। पूरी अयोध्या राम के रंग में रंगी नजर आई। रामनवमी पर महिलाएं खुशी से झूमती दिखीं। बच्चे राम का स्वरूप बनकर अयोध्या पहुंचे, तो साधु संत जय श्री राम का उद्घोष करते नजर आए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रवेश द्वार को फूलों से सजाया गया था। आप देखिए यहाँ पर जो भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पहले ये साथ सज्जा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये फूलों से सजा हुआ और ये मुख्य द्वार है, यहाँ से जो भक्त हैं उनको प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। CRPF के इंतजाम है, सुरक्षा व्यवस्था में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगाए गए हैं, कमांडो लगाए गए हैं, PSC बल तैनात किया गया है और हर एक चौराहे पर बैरिकेडिंग आपको दिखाई देगी। रामनवमी पर होने वाले सूर्य तिलक के भव्य आयोजन और भक्तों की सहूलियत का पूरा ख्याल रखा गया था, तो वहीं भक्तों के चेहरे पर अपने आराध्य के दर्शन पाने की खुशी भी दिखी। रामनवमी के मौके पर बंगाल में इस बार वो हुआ जो पहले कभी नहीं देखने को मिला। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में इस साल ममता बैनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली, लेकिन इसे शोभा यात्रा कम चुनावी यात्रा ज्यादा कहा गया, क्योंकि रामनवमी की आड़ में TMC वोट मांगने में भी पीछे नहीं रही और हावड़ा लोकसभा सीट से TMC उम्मीदवार प्रसून बैनर्जी ने रामनवमी के जुलूस की आड़ में अपना चुनावी प्रचार किया। तृणमूल कांग्रेस का ये रैली है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के यहां के जो कैंडिडेट है प्रसून बैनर्जी, वो यहां पर अपना इस ये जो रामनवमी की जुलूस है इसको अपना चुनावी प्रचार के एक चुनावी प्रचार का एक माध्यम बना लिए है। क्योंकि पिछले 10 से 12 दिनों में ममता बैनर्जी ये आरोप लगाती रही है कि BJP रामनवमी के जुलूस की आड़ में दंगा करवाना चाहती है, लेकिन जब उनकी पार्टी के लोग ही शोभा यात्रा लेकर हावड़ा की सड़क पर उतरे तो रामनवमी की इस यात्रा को लोग सियासी चश्मे से देखने लगे।